Hello students, welcome you all on the YouTube channel of Utkarsh Online School. Yes, and today in this special video we are going to discuss, we are going to analyze and understand each and every aspect of the model question paper released by RBSE, yes, Rajasthan Board of Secondary Education, Azme for class 10th, Social Science, yes. So, with high concentration and focus, listen each and every point. Focus should be on each and every question and a change pattern for better understanding and best preparation of the entire syllabus, yes. So, let's start this discussion on a positive note. सो योर क्वेश्चन पेपर विल बी इन फाइव सेक्शन्स कितने सेक्शंस में होगा फाइव सेक्शंस में होगा सेक्शन ए सेक्शन बी सी डी एंड ई इट विल बी डिवाइडेड इंटू फाइव इंपॉर्टेंट सेक्शंस और हर एक सेक्शंस में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को रखा गया है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में अच्छे से रखना है एंड देर विल बी टोटल ट्वेंटी एट क्वेश्चन होंगे 28 होंगे ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ इन सेक्शन ए देर विल बी देर विल बी टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्वेंटी क्वेश्चन इसी सेक्शन में होने वाले हैं और यही है हमारा क्या बीस का दम यस यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आरबीएससी ने आप सबको यहां पे प्रोवाइड कर दी है और ये ट्वेंटी क्वेश्चन सभी सेक्शन में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो वेटेज है सबसे ज्यादा वेटेज है वो कौन से सेक्शन का है और ए सेक्शन में आपके देर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक तो आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टेन क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अच्छे से रखना है दस क्वेश्चन तो only आने वाले हैं और वहां पे हमें पूरा दस का दम लगाना है और टेन आउट ऑफ टेन को हमें क्या करना अर्न करना अपने हार्डवर्क से यस एंड देर विल बी देर विल बी सेवन क्वेश्चन देर विल बी सेवन क्वेश्चन जिनका आंसर आपको लिखना है वन वर्ड में किसमें लिखना है वन वर्ड और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका आंसर आपको वन लाइन और वन वर्ड में लिखना है तो ये क्वेश्चंस कितने होने वाले सेवन क्वेश्चंस यस ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है एंड थ्री क्वेश्चंस विल बी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स तो 20 क्वेश्चंस का जो जैकपॉट आपका लगने वाला है पूरा का पूरा आपके फेवर में है ऐसा आरबीएससी ने कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर्स में जो पैटर्न है वो इस तरीके से कभी भी चेंज नहीं किया है तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको ग्रैप करना है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको क्या करने अर्न करने हैं सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर सेक्शन so ए में कितने क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे वन मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स हो गए ट्वेंटी यस ये हमें पूरे के पूरे वहां पे क्या करने हैं सेकेंड सेक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पे दे रखा ट्वेल्व टू नाइनटीन एंड ट्वेल्व टू नाइनटीन जो क्वेश्चन नंबर है उसमें टोटल क्वेश्चन कितना है एट क्वेश्चन कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्या होंगे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे आई होप पॉइंट आर क्रिस्टल क्लियर सेक्शन जो सी है उसमें भी आप देखो यहाँ पे चार क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन है चार क्वेश्चन फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी Three, और ये जो चार क्वेश्चन है ईच ऑफ फोर मार्क्स ये जो फोर क्वेश्चन है ईच ऑफ़ मार्क्स तो मल्टीप्लाई बाय फोर कितने हो गए थर्टी टू तो, तो आपको दो सेक्शन में ही आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ द टोटल मार्क्स और ट्वेंटी मार्क्स अगर आप ऐड कर दो तो अल्टीमेटली फिफ्टी टू मार्क्स तो आपको तीन सेक्शन में यहां पे अर्न होने वाले हैं अपने हार्डवर्क से अपनी मेहनत से यस ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद 24 एंड 25 ये जो सेक्शन है वो जरूर आप नोट कर लेना ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये है रिलेटेड टू मैप इसमें आपसे मैपिंग से रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चन को पूछा जाएगा एंड ये जो दो क्वेश्चन है वो होंगे आपके कितने फाइव मार्क्स के तो टू मल्टीप्लाई बाय फाइव कितने हो गए टेन मार्क्स तो टेन मार्क्स तो अकेले आपको मैप्स दिलवाने वाले हैं पूरा so, पूरा का पूरा फोकस करना एक-एक पॉइंट एक पे ताकि किसी भी तरीके से कोई डाउट ना रहे यस yes! और जो सेक्शन ई e है वो लॉन्ग आंसर टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, और उसमें आप देखो ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट थ्री क्वेश्चन होने वाले हैं लॉन्ग आंसर लॉन्ग ऐसे टाइप जो क्वेश्चन हैं और ईच विल बी ऑफ सिक्स मार्क्स सो टोटल वेटेज विल बी ऑफ 18 कितने होंगे 18 सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर शानदार आरबीएससी ने क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को रखा पैटर्न को रखा है और ये सब आपके फेवर में है इसका पूरा का पूरा आपको बेनिफिट उठाना है और मैक्सिमम मार्क्स को आपको अन करना है सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्शन थ्रू क्वेश्चंस ओके लेट्स स्टार्ट सो so, आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन में सब सेक्शन से देर विल बी टेन एमसीक्यूज इन क्वेश्चन नंबर वन ओनली और यहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन से आप देखो राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक तो जो आपको आंसर बुक दी जाएगी उसमें आपको आंसर्स भी लिखना है पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो जरूर करना तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस क्यू क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल करवाने वाली है आर आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में तो आप इस तरीके से देख सकते हो एक एक क्वेश्चन वहां पे आपको क्या मिलने वाला है एम सी और टोटल टेन क्वेश्चन विल बी ऑफ एम टाइप सेकेंड जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू टू क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू टू क्वेश्चन नंबर सेवन ये भी क्या है वन वर्ड मान लो आप वन वर्ड सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन तो आप वन वर्ड और वन लाइन में आप आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो और यहां पे भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से जैसे पूछा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी तो आपको एक वर्ड में आंसर देना है इस तरीके से ईच मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया रिप्रेजेंट एटलीस्ट हाउ मच पॉपुलेशन तो वन वर्ड आंसर सो आई होप क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट अगर आप यहां पे देख रहे हो तो देखो क्वेश्चन नंबर नाइन टेन एंड इलेवन फिल इन द ब्लैंक्स कैसे हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरे के पूरे जो फिल इन द ब्लैंक्स उनको क्या करना है कंप्लीट करना और अपने मार्क्स को अर्न कर लेना एकदम जोश और जुनून के साथ यस सो नाउ सेक्शन बी अब सेक्शन बी में आपने देखा है टू मार्कर क्वेश्चंस होंगे तो आप जैसे यहां पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन तो 19 तक आपके जो क्वेश्चन होने वाले वो ईच विल बी ऑफ टू मार्कर क्वेश्चन तो इसका भी आपको पूरा का पूरा यहां पे क्या करना है अपने फेवर में यूटिलाइजेशन करना है और हर एक मार्क हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस बढ़िया हाई क्वालिटी के साथ लिखना है ताकि एक भी आधा मार्क्स भी वहां पर हमारा कट ना हो जाए यस नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन सी और सेक्शन सी में जो हमने यहां पे देखा था ये फोर मार्कर क्वेश्चन होंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इंटरनल ऑप्शन क्या होंगे आपके पास क्या होंगे इंटरनल ऑप्शन होंगे तो जैसा आपको यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देर आर टू क्वेश्चन और इनमें से आपको एक चॉइस दी गई कि बेटा आपको एक क्वेश्चन तो अटेम करना है हमें शक्तिमान नहीं बनना है हमें क्या करना है बड़ा अच्छे तरीके से दोनों को आप एनालिसिस करो बढ़िया तरीके से दोनों को क्या करो आप एनालिसिस करो कि मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है किसके मैक्सिमम पॉइंट मुझे पता है ठीक ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना हमें तो कॉन्फिडेंस के साथ हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ एंटायर क्वेश्चन पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है और पूरे के पूरे मार्क्स को हमें अर्न कर लेना तो सबसे पहले तो आप एनालिसिस करो कि हाँ क्वेश्चन नंबर जो ये दे रखा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 तो इसमें मुझे क्या क्या पॉइंट जो मुझे लर्न करना है और कौन कौन से पॉइंट जो मुझे याद है या नहीं है इस तरीके से एक्सप्लेन द मेजर रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया और आपको लगता है कि दोनों दोनों क्वेश्चन में से मुझे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा क्या है पॉइंट लर्न है ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर लर्न तो फिर आप इस क्वेश्चन को वहां पे अटैम्प करो तो इसीलिए जब आप चॉइसेस करो तो अल्टीमेटली आप ये ध्यान में रखना कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस कौन से क्वेश्चन में ज्यादा दिख रहा है उसी को आप वहां पर जरूर अटैम करना ठीक है तो इस तरीके से आपको वहां पे क्या मिलेंगे इंटरनल ऑप्शंस क्या मिलेंगे इंटरनल ऑप्शंस इस तरीके से आप देख सकते हो सो नाउ सेक्शन डी क्या दे रखा है सेक्शन डी और सेक्शन डी में जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया और क्या डिस्कशन किया दीज विल बी ऑफ मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है मैपिंग पार्ट सो मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप जैसे फाइव मेजर कोल फील्ड को इंडिया के मैप पे क्या करना मार्क करना और फाइव मेजर मिनरल बॉक्सेस ऑफ इंडिया को बॉक्सेस का यहां पे मतलब क्या है बेल्ट क्या है बेल्ट ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है इंडिकेट द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स इन द मैप ऑफ इंडिया तो यहां पे आपको हिस्टोरिकल साइट्स दे रखी है साइट तो या तो आप ये अटैम्प कर लो या ये कर लो इनमें भी क्या है इंटरनल ऑप्शन तो ये भी आपके लिए क्या है बहुत बड़ा एक बिग एडवांटेज है जो आपको वहां पे ग्रैब करना है और अल्टीमेटली पूरे में से पूरे मार्क्स आपको अर्न करना है इन दीज क्वेश्चंस तो इंटरनल जो ऑप्शन है उनका पूरा का पूरा आपको लाभ उठाना है द नेक्स्ट इज सेक्शन ई अब सेक्शन ई e में जो हमने पढ़ा था ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ सिक्स मार्क्स एंड देर विल बी थ्री क्वेश्चन ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी सिक्स इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है कि यहां पे दो दो इंटरनल ऑप्शन है देर विल बी 3 क्वेश्चंस और इनमें क्या होंगे ऑप्शंस होंगे अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे तो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आता है तो मुझे तो ये करना है मुझे इसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिख रहा है तो आप कोई नहीं आप इस वाले में आप कॉन्फिडेंस देख सकते हो तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको ये एनालिसिस करना है आपको ये वहां पे सेलेक्ट करना है कि आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं और बढ़िया बढ़िया से बढ़िया आंसर में कौन से क्वेश्चन का वहां पे लिख पाने में क्या हूं, हूं। तो ये सब आपको चीजें जरूर पे ध्यान में अच्छे से रखनी है बढ़िया से। so, इस तरीके से आपको वहां पर इंटरनल ऑप्शन मिल जाएंगे इन दीज थ्री क्वेश्चन ईच ऑफ सिक्स मार्क्स सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज पैटर्न ऑफ क्लास टेंथ सोशल साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज बाय आर बी एस सी यस और आप सबको ये जो चेंजड हुआ है हमारा मार्किंग स्कीम मार्किंग पैटर्न इसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करना है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो जब हम सिलेबस को क्या कर रहे हो पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हो कि हाँ इस तरीके से मुझे यहाँ पे अटैम्प करना है और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया तरीके से जोश एंड जुनून के साथ भर जाना चाहिए कि भाई ये तो हमारे फेवर में है ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है इस मार्किंग स्कीम से एंड दिस इज जस्ट ब्लू ये मत सोचना यही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा दिस इज द ब्लू प्रिंट दिस विल बी द मार्किंग स्कीम इन योर फाइनल एग्जामिनेशन ये आपको ध्यान में रखना है सो आई होप ऑल द ऑल द पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर अब आपको कोई सा भी इसमें डाउट नहीं होगा बढ़िया तरीके से एक एक हमने क्वेश्चन और उसके जो हैं, और जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं उनको हमने यहां पे डिस्कस किया है सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेष फ्रॉम द उत्कर्ष फैमिली एंड उत्कर्ष जो है वो हमेशा आपके साथ है बढ़िया पढ़ाई में हमेशा अच्छे तरीके से और आप YouTube चैनल को पूरा लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करना है और जुड़े रहना है उत्कर्ष फैमिली के साथ बेस्ट विशेष बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट